हेलो फ्रेंड्स, मैं अभय कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल टेक्नो मैथ्स 247 में। दोस्तों, सीएचएस की आज हम हिंदी के कुछ क्वेश्चन सॉल्व कराने जा रहे हैं आप लोगों के, जो कि काफी इम्पोर्टेंट है। केवल हिंदी ही क्या, हम तो अभी अगले दिनों में सीएचएस की सारी चीजें जैसे हिंदी, साइंस और इंग्लिश, ठीक है, और एसएसटी की भी क्लासेस देंगे। फिलहाल अभी मैथ्स चल रहा था, मैथ्स चलता रहेगा, साथ में भी हिंदी वगैरह की भी क्लासेस हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। इस क्रम में आज हमारी हिंदी की पहली क्लास है ये, और इसमें हम लोग हिंदी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे पहले, ठीक है। दो चार सेट लगाएंगे हम लोग हिंदी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के, इसके बाद हम लोग को फिर आगे चल के इसमें और भी चीजें करनी होंगी, जैसे हम हिंदी के टॉपिक वाइज, जैसे कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है संधि, समास, ठीक है, बाकी बहुत सारी चीजें हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। आइए देखते हैं आज के क्रम में पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन हमने लिया है यहाँ पे शुद्ध शब्द है, शुद्ध शब्द है। देखिए, शुद्ध शब्द है, इसके लिए चार ऑप्शन दिए गए हैं आपका। पहला है रचयिता। एक्चुअली ये इस तरह के क्वेश्चन आएंगे जिसमें कि चार ऑप्शन रहेंगे, चार में से कोई एक ही सही लिखा होगा, बाकी सब गलत होंगे। दूसरा ऑप्शन है आपका रचयिता, सी ऑप्शन है आपका, ऑप्शन सी है रचयिता, रचयिता, ठीक है। और ऑप्शन डी है आपका रचयिता, रचयिता, ठीक है। तो देखिए, इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसका इसका ऑप्शन डी सही होगा, रचयिता, ठीक है। ये रचयिता गलत है, रचयिता भी गलत है, और रचयिता भी गलत है। सही आंसर क्या होगा इसका, रचयिता, ठीक है। इसके बाद देखिए, निम्न में से अधिकरण छांटना है। दूसरा क्वेश्चन है अधिकरण छांटिए। तो अधिकरण छांटने के लिए अधिकरण जानते हैं, अभी अगर वो आप कारक चिन्ह पूरा पढ़े होंगे तो जैसे कर्ता ने कर्म को, ठीक है, और इसी तरीके से आगे आएंगे तो अधिकरण में पर आता है। अधिकरण में क्या आता है, में पर, तो ध्यान दीजिएगा, जहां पे में और पर दो में से कोई एक रहेगा वहीं पे क्या होगा, अधिकरण कारक होगा। ऑप्शन देखते हैं इसका, कारक में पढ़ा दूंगा पूरा वीडियो बना करके। राम मोहन को मारता है, पहला ऑप्शन है राम मोहन को मारता है, ठीक है, राम मोहन को मारता है। यहाँ देखिए मोहन को, ठीक है, यही पे कारक होगा। इसके बाद देखिए, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, यहाँ पे पेड़ से ये कारक होगा। सी में देखते हैं ऑप्शन क्या दिया हुआ है, मैं कलम से लिखता हूं, मैं कलम से लिखता हूं, तो यहां पे देखिए कलम से ये होगा। इसके बाद फिर जो है यहाँ पे ऑप्शन डी, किताब मेज पर है, किताब मेज पर है। देखिए यहाँ पे अधिकरण कारक किसमें है, हमने बताया था अधिकरण कारक वही होगा जिसमें मे और पर आएगा। देखिए इसमें किसी में भी मे या पर ऊपर में नहीं है। लास्ट ऑप्शन डी में देखेंगे तो यहाँ पे है, किताब मेज पर है, मेज पर, हमने क्या बताया था, अधिकरण मे या पर, ठीक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका संधि से है, न्यायालय शब्द का संधि विच्छेद होगा, न्यायालय शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, ठीक है। चार ऑप्शन इसमें भी दिए हैं, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी, ठीक है। पहला ऑप्शन है आपका न्याया प्लस आलय, न्याया प्लस आलय, तो न्यायाधन आलय, ठीक है। इसके बाद देखिए न्याय, न्याय प्लस, न्याय प्लस आलय, और सेकेंड ऑप्शन है इसका पर न्याय प्लस यालय, न्याय प्लस यालय, फिर एक ऑप्शन न्यायाल, न्यायाल, ठीक है, न्यायाल प्लस य, ठीक। तो आप देखिए इसको देख के ही हम बता सकते हैं, या आप भी बता सकते हैं कि इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी होगा। क्यों, क्योंकि इन सब ऑप्शन में से देखिए न्याय प्लस आलय, आलय का तो मतलब होता है लेकिन न्याय का कोई मतलब नहीं होता है। यहाँ पे देखिए न्याय का कोई मतलब नहीं होता है, आलय का भी कोई मतलब नहीं होता है, न्यायाल का भी कोई मतलब नहीं होता है, या का भी कोई मतलब ऐसे नहीं होता है। तो यहाँ पे जो सही संधि विच्छेद बनेगी आपकी वो कौन सी होगी, न्याय प्लस आलय बराबर न्यायालय, ठीक है। अगर पूछ देता है कौन सी संधि है इसमें, देखिए इसमें कौन सी संधि है, इसमें आपकी दीर्घ संधि है, ठीक है। इसी तरीके से चौथे क्वेश्चन में आते हैं, चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, लिख रहे हैं कि अनल पावक हुताशन, अनल पावक हुताशन,
किसका पर्यायवाची है, किसका पर्यायवाची है, ठीक है। इसमें चार ऑप्शन दिए गए हैं, पर्यायवाची शब्द भी बहुत जरूरी है इसके लिए, ठीक है। और आपको एक एक क्लास की वीडियो मिलेगी, ठीक है, अलग से। पहला ऑप्शन इसके लिए अग्नि, और दूसरा ऑप्शन है अमृत, तीसरा ऑप्शन है अज्ञ, चौथा ऑप्शन है अश्व। तो इसे देखिए, अग्नि का अगर हम लोग पर्यायवाची जानते हैं तो अग्नि का पर्यायवाची क्या होता है, आग, अनल, पावक, हुताशन, ये सब किसके पर्यायवाची हैं, अग्नि के। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, अग्नि सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए आपसे पूछा जा रहा है हर्ष का विलोम क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 5 है, हर्ष का विलोम क्या होगा। तो हर्ष का विलोम क्या होगा, इसको कहते हैं हर्ष का विलोम। तो आप जानते हैं हर्ष का मतलब क्या होता है, खुशी होती है, ठीक है। चार ऑप्शन यहाँ पे दिए जाएंगे आपको, ऑप्शन ए बी सी एंड डी, चार ऑप्शन आपको यहाँ पे दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है आपका प्रशंसा, प्रशंसा, दूसरा ऑप्शन है आपका उदार, तीसरा ऑप्शन है अज्ञ, सॉरी अज्ञ नहीं है, विषाद, तीसरा ऑप्शन है विषाद, और चौथा ऑप्शन है नीरस, नीरस, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो होगा हर्ष का विलोम, हर्ष का मतलब होता है खुशी और विषाद का मतलब होता है दुख, ठीक है। तो यहाँ पे जो होगा ये क्या आएगा आपका, यहाँ पे आंसर आ जाएगा इसमें विषाद, ये विषाद इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पेड़ से पत्ते गिरे में कौन सा कारक है। तो देखिए पेड़ से पत्ते गिरे में कारक पूछा गया आपसे, ठीक है। तो पेड़ से पत्ते गिरे मतलब पेड़ से पत्ते क्या हो गए, अलग हो गए। तो आपने पढ़ा होगा करण कारक में, ठीक है, से का प्रयोग करते हैं, ठीक है, सॉरी करण कारक में नहीं, अपादान, सॉरी हाँ अपादान कारक में, ठीक है, अपादान कारक में हम लोग से का प्रयोग करते हैं, लेकिन अलग होने के अर्थ में करते हैं, ठीक है ना। कोई भी चीज अलग होने के अर्थ में हम लोग से का प्रयोग करते हैं, ठीक है, अपादान कारक। तो यहां पे देखिए क्या है, पेड़ से पत्ते गिरे मतलब पेड़ से पत्ते अलग हो रहे हैं। अगला क्वेश्चन आपका था पेड़ से पत्ते गिरे, तो पेड़ से पत्ते गिरे में देखिए पेड़ से पत्ते गिरे यहाँ पे क्या हो रहा है, अलग होने पत्ते, तो कौन सा कारक हो जाएगा, अपादान कारक हो जाएगा आपका। इसमें भी चार ऑप्शन दिया गया था आपको, ठीक है, चारों ऑप्शन में करण कारक था, संप्रदान था, और संबंध कारक था, और अपादान कारक था, ठीक है। कारक पे एक पूरी की पूरी वीडियो बन जाएगी आप लोग की, ठीक है। इसके बाद आते हैं हम लोग देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, ये भी संधि से लिया गया है, महाधन ऋषि, महाधन ऋषि, देखिए क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, क्वेश्चन नंबर 7 है, ये यहां लिखा है महाधन ऋषि, महाधन ऋषि में कौन सी संधि है, में कौन सी संधि है, महाधन ऋषि में कौन सी संधि है। देखिए महाधन ऋषि में कौन सी संधि हो जाएगी, चार ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। इन चारों ऑप्शन में से हम अभी जस्ट गुड़ संधि, पहला ऑप्शन है गुड़ संधि, और दूसरा ऑप्शन है आपका दीर्घ संधि, तीसरा ऑप्शन दिया गया इसमें वृद्ध संधि, और चौथा है यड़ संधि, वृद्ध संधि और चौथा क्या है, यड़ संधि, ठीक है। तो जल्दी से बताइए हमें कि इसमें कौन सा कौन सी संधि है, ठीक है, यहाँ पे महाधन ऋषि में कौन सी संधि है, ठीक है। तो अगर आपको पता होगा महाधन ऋषि में कौन सी संधि है, तो आप जानते हैं कि महाधन ऋषि यहाँ पे आ और री मिलकर के क्या बन रहे हैं, यहाँ पे आ और री मिलकर के अर बन रहे हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि महाधन ऋषि का जब संधि करेंगे हम लोग तो क्या मिलेगा हमें, यहाँ पे हमें मिल जाएगा महर्षि, महाधन ऋषि का संधि करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, महर्षि मिल जाएगा, और इसकी वजह से यहाँ पे क्या होगा, महाधन ऋषि बराबर महर्षि, महाधन ऋषि बराबर महर्षि, ठीक है। संधि पे भी मैं पूरा एक वीडियो बनाऊंगा अभी, ठीक है,
यहां देखिए महाधन ऋषि बराबर क्या हो जाएगा, महर्षि। तो ये एक्चुअली आपने गुड़ संधि पढ़ी होगी जिसका ट्रिक होता है ए ओ आर, ठीक है। अब इसके लिए भी मतलब अलग से सारी वीडियोस बनेगी। यहाँ पे महर्षि में देखिए, महर्षि बोलते समय जब हम म और ह बोल रहे हैं उसके बाद हम अर बोल रहे हैं कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे महर्षि अर बोल रहे हैं, ये कौन सी संधि हो जाएगी आपकी, गुड़ संधि हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मन का मनता पेर में कौन सा अलंकार है। देखिए मन का फेर क्वेश्चन नंबर एट, ठीक है, में कौन सा अलंकार है, में इस तरीके से लिखा हुआ है यहां पे, में अलंकार है, ठीक है। मन का फेर में अलंकार है। तो देखिए यहां पे चार ऑप्शन इसमें भी दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है रूपक, दूसरा है उपमा, तीसरा है श्लेष और चौथा है यमक, ठीक है। चार ऑप्शन आपके दिए गए हैं। देखिए मन का फेर, अगर आपको डेफिनेशन सारे अलंकार की पता होगी तो आपने सुना होगा कि यमक अलंकार में क्या होता है, दो वर्ड एक ही बार, मतलब एक वर्ड दो बार आते हैं और दोनों का अर्थ क्या होता है, अलग अलग होता है। तो यहां पे क्या हो जाएगा आपका, यमक अलंकार, क्योंकि ये यमक अलंकार की परिभाषा को पूर्ण कर रहे हैं, ठीक है। देखिए इसके बाद जो क्वेश्चन है इसके बाद करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गंगा नदी का दूसरा नाम है, ठीक है। तो गंगा नदी का दूसरा नाम क्या है, ये सबको पता है, कई नाम होते हैं गंगा नदी के, ठीक है। पर्यायवाची गंगा की बहुत सारी है, लेकिन यहाँ पे जो ऑप्शन है उसके हिसाब से हमें लिखना है। देखिए गंगा नदी का दूसरा नाम है, तो गंगा नदी का दूसरा नाम देखिए चार ऑप्शन है, चारों ऑप्शन में क्या क्या दिया गया है। पहला ऑप्शन है नर्मदा, दूसरा ऑप्शन है कावेरी, तीसरा ऑप्शन है आपका भागीरथी और चौथा ऑप्शन है आपका यमुना। तो आप सबको पता होगा कि गंगा, जैसे पुराणों में पढ़ा है आप लोगों ने कि भागीरथी ने ही गंगा को धरती पे लाया था, तो इसीलिए भागीरथी भी गंगा का ही दूसरा नाम है। इसके बाद आइए लास्ट क्वेश्चन करते हैं आज का, क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहे हैं अरण्य शब्द का अर्थ है, अरण्य शब्द का अर्थ है, तो अरण्य शब्द का अर्थ जानते हैं। अगर आपने पर्यायवाची पढ़ी होगी वन की, तो वहां पे कई अर्थ आते हैं, कई मतलब शब्द मिलते हैं वहां पे आपको, जैसे अरण्य होता है, कानन होता है, विपिन होता है, जंगल होता है, ठीक है। तो वहां पे देखिए ऑप्शन आपके पास क्या क्या है, यहाँ पे ए बी सी डी, चार ऑप्शन है और हमने आंसर ऑलरेडी बता दिया है आपको, ठीक है। देखिए क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन चार दर्प हो जाएगा, वन है, इसके बाद सोम लिखा हुआ है, फिर चौथा ऑप्शन है आपका अभ्यागत, चौथा ऑप्शन है अभ्यागत, ठीक है। तो देखिए यहां पे जो होगा आपका वन इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर ये वीडियो पसंद आई हो और आपको लगता है कि हिंदी की और क्लासेस की जरूरत है तो प्लीज हमें कमेंट करिए ताकि हम और भी वीडियोस बना सकें, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि आपके और भी फ्रेंड्स को बेनिफिट हो सके इसका। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। धन्यवाद।